हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ आ गया हूँ। किस आज 5 अप्रैल 2024 में किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर और DII ने बाई सेल का डाटा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने कैश में आज ओवरऑल बाइंग किया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 1660 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट फिगर है। 1659.27 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग किया है। कल तक जो नेट सेल में थे, आज बाई किया है, लेकिन इसके डबल क्वांटिटी में DII ने सेल किया है। DII ने सेल किया है 3370.42 करोड़ का, मीन्स कि 3370.42 करोड़ का ओवरऑल कैश में सेल किया है। और इंडेक्स फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया है 220 करोड़ का, और ऑप्शन में 11381 करोड़ का बाइंग किया है। और कैश में, जैसे कि आपने देखा कि 1660 करोड़ का अप्रोक्सीमेट बाई किया है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सेल किया है, नेट सेल किया है। अगर आप देखेंगे 1660 करोड़ कैश में जो खरीदा है, उसके अगेंस्ट फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में सेल किया है 5114 करोड़ का। तो नेट ओवरऑल लगभग 3500 करोड़ का सेल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3500 करोड़ का नेट सेलर ही रहे हैं। और DII ने अच्छा खासा सेल किया है, मीन्स कि DII ने जो सेल किया है लगभग फॉरेन इन्वेस्टर के डबल, मीन्स कि कैश में जो DII ने सेल किया है 3370 करोड़ का, और 1650 करोड़ के ही अप्रोक्सीमेट बाई किया है फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो अब तक जैसे कल ओवरऑल DII और FFI दोनों मिलकर सेल किए थे, लेकिन आज DII ने जो सेल किया है उसका आधे फिगर में कैश में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाई किया है। और मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे लार्ज कैप का स्टॉक, एक HDFC जो मेरा फेवरेट रहा है, और रेकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इस वीडियो के माध्यम से कोई भी स्टॉक एनालिसिस या व्यू देता हूँ तो मेरा व्यू होता है पर्सनल एजुकेशनल पर्पज से। तो HDFC में एक अच्छा खासा तेजी देखी गई है, तो हो सकता है कि उसका उसमें पोजिशन बना हो, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। तो और भी किसी लार्ज कैप में बाई किया होगा, लेकिन फॉर स्टॉक फ्यूचर में ओवरऑल सेल है। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऊपरी लेवल पे देखा जा रहा है, टॉप पे खड़ा करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है। आने वाले वीक के लिए कंप्लीट एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, छोटा सा ही वीडियो होगा। कोशिश कीजिए लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और भी मैं आप लोगों के साथ डेटा, और जैसे मेरा लास्ट वीडियो एक मैंने केमिकल सेक्टर के लिए कल एनालिसिस किया था कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, और आज केमिकल के सेक्टर, केमिकल शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, खुलते ही अच्छा खासा राइज हुआ और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। जैसे मेरा व्यू होता है कि बॉटम से 10% जो स्टॉक चल गया है, टेक्निकल ब्रेकआउट आएगा, स्कैनर में आता है, लोग बाई करते हैं, सुबह सुबह बाइंग करते हैं, और फंसने वाले को ट्रैप करा करके ऊपरी लेवल पे टेक्निकल वाले को दे करके निकल गया। तो बहुत ही संभल करके ट्रेडिंग का टाइम है, ऐसा नहीं कि टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ तो बिल्कुल स्टॉक वहां से आप खरीद करके पैसा बना सकते हैं, संभल के काम करने का टाइम है। और इसी तरीके के छोटे छोटे अपडेट जानने के लिए इस चैनल को बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।